फ्रेंड मैं तबरेज आप देख रहे थे एक निर्सिप चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को मोबाइल का एक ऐसा धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा आप अपने नाम का 3D वॉलपेपर अपने मोबाइल से कैसे बनाओगे। जी हाँ आप सही सुने, मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, अगर आप अपने नाम का 3D वॉलपेपर बना लिए और वॉलपेपर बना के आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर सेट कर लोगे ना, और जब आप अपने मोबाइल को आप अपने दोस्त के पास या किसी के पास भी आप ओपन करोगे मोबाइल को, कोई देखेगा आपके मोबाइल में आपके नाम का 3D वॉलपेपर, तो वो भी हैरान हो जाएगा और वो भी आपसे पूछ बैठेगा, यार तूने ऐसा 3D वॉलपेपर अपने नाम का कैसे बनाया, मुझे भी सिखा दे, मुझे भी बता दे कैसे बनाया। तो ये सब कैसे बनाना है 3D वॉलपेपर, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक का देखना पड़ेगा। तो यार ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, आप ये वीडियो को शुरू से लेके एंड तक का देख लीजिए। और आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे देखिए रेड कलर का लिखा होगा, वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दो। अगर आप लोगों ने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए कुछ नया सीख लेते। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ हम अपने नाम का 3D वॉलपेपर कैसे बनाएंगे मोबाइल से। तो इसके लिए आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो सॉफ्टवेयर कौन सा है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, आप भी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर का आप नाम सही से पढ़ लीजिए और इसका आइकॉन सही से देख लीजिए सॉफ्टवेयर का। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सॉफ्टवेयर का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखा हूँ, तो चलिए इसमें 3D वॉलपेपर हम अपने नाम का कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये ओपन होने के बाद दिखेगा। तो यहाँ पे आप पहली मर्तबा ये सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो सबसे सेंटर में ही यहाँ पे नाम लिखने का ऑप्शन आपको आ जाएगा। अगर यहाँ पे नाम लिखने का ऑप्शन नहीं आएगा तो आप ऊपर आपको पेन का आइकन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे पेन के आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको नाम लिखने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आप अपने नाम का वॉलपेपर बनाना चाहते हैं या किसके नाम का, तो वो नाम यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल अपना नाम लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लिया हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो अब भी हमारा वॉलपेपर बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गोला में हमारा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तबरेज खान। तो यहाँ पे देख सकते हैं और कितना बेहतरीन लग रहा है, यहाँ पे देखिए कैसा ये घूम रहा है। तो ये गोला को, ये वॉलपेपर को हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे सेट कैसे करना है चले मैं आपको वो बता देता हूँ, और इसमें कुछ सेटिंग हमें करना पड़ेगा तो वो सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ऊपर में देखिए राइट साइड में 3 डॉट का आइकॉन आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे से भी सेट कर सकते हैं अपने वॉलपेपर को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे सबसे ऊपर में क्लिक करके। तो चलिए इसका कुछ सेटिंग मैं और आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम सेटिंग पे ओके कर देते हैं, और ये सेटिंग ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट फोन स्टाइल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम फोन स्टाइल पे ओके कर देंगे, और यहाँ से जो आप एक पे एक स्टाइल यहाँ पे लगा सकते हैं फोन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही फोन का स्टाइल है, तो यहाँ पे से कोई सा भी लगा सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल वही रहने देने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए फोन कलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फोन का जो यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन इसमें कलर सब है। उसके बाद यहाँ पर स्पीड दिखे लिखा हुआ है, तो स्पीड भी इसका बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखिए फ़ॉन्ट साइज लिखा हुआ है, तो इसका साइज भी आप बड़ा छोटा जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी सेटिंग को कर लिए, तो ये सभी सेटिंग को करने के बाद अब यहाँ पे अपने वॉलपेपर को सेट करना है अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है सेट लाइव वॉलपेपर, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अब ये जो हमारे मोबाइल के डिस्प्ले पे स्क्रीन पे ये वॉलपेपर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर नीचे में सेट वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं बैक आके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन पे कैसा लग रहा है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप कितना मज़े का वॉलपेपर लग रहा है। यहाँ पे देखिए कैसा राउंड घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा नाम यहाँ पे तब्रेज खान यहाँ पे लिख सकता है, लिखा हुआ है। तो ऐसा करके आप भी अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, और आप अपने दोस्त के पास ये मोबाइल को ओपन करोगे ना ये स्क्रीन को, तो वो भी देख के चौक हो जाएगा, वो भी हैरान हो जाएगा, और वो भी आपसे पूछेगा यार तूने ये कैसे बनाया, मुझे भी सिखा दे। तो ऐसा करके आप अपने मोबाइल के लिए वॉलपेपर ऐसा करके बना सकते हैं। तो देखिए काफ़ी मज़े का वॉलपेपर है, एक बार तो ये सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर ही लीजिए। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा। तो सही लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो देखने के लिए, और ये वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।